नमस्कार, वेलकम टू मीनाक्षीज किचन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे हम मैंगोज़ को साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मैंगोज़ लिए हैं। मैंने ये सफ़ेदा आम लिया है, आपको जो स्टोर करना हो आप वो मैंगो ले सकते हैं। इसको मैंने धो लिया है, अब इसे हम छील लेंगे। तो किसी पीलर की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से इसको हम पील कर लेंगे। तो यहाँ मैंने छील लिए हैं, अब इनको हम काट लेंगे। इनके हम छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे या फिर क्यूब्स में कट कर लेंगे इनको हम। इस तरीके से मैंगो स्टोर करने से जब आपका मन करे मैंगो खाने का आप मैंगो खा सकते हैं, या फिर जब आपका मन करे मैंगो शेक बनाने का, या फिर मैंगो का कोई ड्रिंक बनाने का, या फिर कोई और डिश बनाने का बनाकर खा सकते हैं। ऐसे ही मैं बाकी मैंगोज़ भी कट कर लूँगी। और जो थोड़े सॉफ्ट मैंगोज़ होंगे उनको हम साइड में रखते जाएंगे कट करके, उनकी हम प्योरी बना लेंगे। तो ये मैंगोज़ मैंने कट कर लिए हैं और ये सॉफ्ट मैंगोज़ को मैंने साइड में रख दिया है, इनकी हम प्योरी बना लेंगे। इन मैंगोज़ को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे लॉक पॉली पॉली बैग ली हैं। आप चाहे तो जिप लॉक ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं इस तरीके का, या फिर कोई और। इसमें मैंगोज़ को स्टोर करेंगे तो जितने हमें एक बार में चाहिए होंगे हम उसे हम अलग अलग ही स्टोर करेंगे। ज़्यादा इकट्ठे स्टोर करने से, उसका बार बार निकालने से और रखने से उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है और मैंगोज़ हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो जितने मुझे एक बार में चाहिए होंगे वन टाइम के लिए मैं अलग अलग स्टोर करूँगी उनको इस तरीके से। और इस तरीके से मैं छोटे छोटे पॉली बैग इसके बना के रखती जाऊँगी। तो ये मैंगो मैंने भर लिया है, इसे हम लॉक कर लेंगे इस तरीके से, अच्छे से लॉक कर लेंगे इसको। इसको अच्छे से स्टोर करने के लिए इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे या फिर चीनी इसमें मिक्स कर देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस मैंगोज के ऊपर मैं चीनी डाल दूंगी करीबन एक चम्मच और इसको मैं अच्छे से लॉक कर दूंगी। आप चाहे तो बिना चीनी के भी इसको स्टोर कर सकते हैं अगर आप चीनी ना डालना चाहें तो। और इस तरीके से इसको अच्छे से लॉक कर देंगे हम, इसकी हवा सारी हम बाहर निकाल देंगे। तो ये मैंगोज़ मैंने भर लिए हैं लॉक वाली पॉली बैग में। जो हमारे सॉफ्ट मैंगोज़ थे उसकी हम प्योरी बना लेंगे। तो ये सॉफ्ट मैंगोज़ हैं हमारे, इसको मैंने कट कर लिया है। जैसे कि कभी हम आम लेने जाते हैं हमें सॉफ्ट आम मिल जाते हैं या फिर आम हमारे दब जाते हैं, उसको मैंने कट कर लिया है। इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और उसकी हम प्योरी बना लेंगे। इस प्योरी से हम मैंगो शेक, मैंगो खीर, मैंगो फिरनी या मैंगो आइसक्रीम कुछ भी बना सकते हैं। तो ये करीबन एक से डेढ़ कप मैंगोज़ हैं। इसमें मैं चार बड़े चम्मच चीनी के डाल दूंगी और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहे तो चीनी कम भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इसे हम ग्राइंड करते समय इसे पानी या दूध कुछ भी नहीं डालेंगे, इसे हम ऐसे ही ग्राइंड करेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंगो की प्योरी हमारी तैयार हो गई है, इसे भी हम लॉक वाली पॉली बैग में भर लेंगे। तो जितनी आपको लगे एक बार में आपकी यूज़ हो जाएगी उतनी आप भर लीजिए इसके अंदर। तो इस तरीके की दो पॉली बैग में भर लूँगी और इसे हम फ्रीज़र में स्टोर करेंगे। मैंगो प्योरी को पॉली बैग में भरने के बाद इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि इसे मॉइस्चर ना जाए और इसमें आइस क्रिस्टल्स ना बने। ऐसा करने से ये ख़राब भी नहीं होगी। मैंगो की प्योरी को और मैंगोज़ को स्टोर करने के लिए इसे हम रेफ्रिजरेट करेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे इसे हम। इसे हम साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन करे मैंगो खाने का या मैंगो की कोई डिश खाने का तो आप बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।